बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। और ये भी उम्मीद है कि जो आपको साइंस का पिछला लेक्चर दिया था वो आप सब ने याद किया होगा। आज हम साइंस का करेंगे नेक्स्ट लेसन, और नेक्स्ट जो है ये मेरा लेक्चर है, ये आज हम एक्टिविटी करेंगे। तो चले आए, चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जी तो देखें, यूनिट नंबर 5, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सम थिंग्स आर अलाइव, सम आर नॉट। आपको मैंने नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया था और लिविंग थिंग्स के बारे में बताया था कि ये जानदार होती हैं या बेजान क्या होता है, जानदार क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उम्मीद है कि आपको ये सारा पता होगा। अब ये देखें, उन्होंने कहा है विच ऑफ दीज आर लिविंग थिंग्स, और नीचे उन्होंने ये कलर दिए हुए हैं, कलर द पिक्चर यूज दिस कलर। जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर आपने करनी है ब्लू कलर करना है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर रेड करना है, और जो आपको नहीं पता कि ये क्या होती हैं, आई डोंट नो, तो इसके अंदर आपने पिंक कलर का करना है। अब ये देखें, ये डॉल है, इसको आपने देखना है कि ये जानदार है या नहीं जानदार। ये फुटबॉल है, बटरफ्लाई है, ये दरख्त हैं, उसके अलावा ये बकेट बनी हुई है, उसके अलावा ये बादल हैं, की है, ये गमला है, पौधा है, बुक है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, देख के तो इनमें कलर करने हैं। अब ये जो डॉल है, डॉल जो है ये जानदार नहीं है, ये बेजान है। जो बॉल है, फुटबॉल बना हुआ है, ये भी बेजान है। जो बादल्स हैं ये भी बेजान ही है, इनमें कौन सी जान होती है। और ये जो की है ये भी बेजान है, बकेट भी बेजान है। उसके अलावा ये जो बटरफ्लाई है ये जानदार है, ये दरख्त और पौधे जानदार हैं, और उसके अलावा ये जो बुक है ये बेजान है। तो आपने ये अपनी मम्मा के पास बैठ के इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसको याद करना है, और इस एक्टिविटी को आपने सॉल्व करना है। और ये जब आप लोग छुट्टियों के बाद आएंगे तो फिर आपकी मैंने ये चेक करनी है, नीट नीट आपने इसमें कलर करने हैं। और ये कलर करने के साथ साथ आपने ऊपर से भी सारा याद करना है कि यूनिट नंबर 5, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सम थिंग्स आर अलाइव, सम आर नॉट। लिविंग थिंग्स फीड एंड ग्रो, जो लिविंग थिंग्स हैं वो खाती पीती भी हैं और बढ़ती भी हैं। तो आपने ऊपर से सबसे पहले रीडिंग करनी है, रीडिंग करने के बाद आपने नीचे आना है और ये सारी चीज़ें देखनी है कि कौन कौन सी चीज़ खुराक खाती है और कौन कौन सी बढ़ती है। जो आपके लिहाज से खुराक लेती हुई और बढ़ती हुई वो चीज़ जो है वो जानदार होगी, और जो खुराक ना लेती हुई वो जानदार नहीं होगी। आपने इसको बुक से अच्छे तरीके से देखना है और पढ़ना है, और आपने इसको एक्टिविटी को सॉल्व करना है। कलर आपने बहुत नीट नीट और साफ साफ करने हैं, कलर गंद नहीं मारना, जान नहीं छुड़ानी अपनी, कलरफुल सा आपने इसको करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने इसको रीडिंग को भी याद करना है, नीचे कलर देखने, जो जो उनसे कलर बताए हुए हैं आपने जस्ट वही यूज़ करने हैं, इनके अलावा आपने कोई भी और कलर यूज़ नहीं करना। और इसको आपने अपनी मम्मा के पास बैठ के या ट्यूशन वाली आपी के पास बैठ के इसको अच्छे तरीके से करना है। तो चलें ठीक है, आप इसको करें, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।